तो ये लीजिए फ्रेंड्स, स्वादिष्ट नीम बन के तैयार है। आप भी इसी तरह घर पर बनाइए, सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। हेलो फ्रेंड, मेरे चैनल योगी फूड रेसिपी में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड, आज हम बनाने वाले हैं नीम छिचकी। इसके लिए कढ़ाई में हमने देखिए सरसों का तेल डाल दिया है, और इधर देखिए हमने आलू और बैंगन को भी देखिए काट लिया है, और इसे अच्छी तरीके से हमने धो लिया है। तो तेल इधर देखिए गर्म हो गया है, तब हम इसमें डाल दे रहे हैं 2 सूखा मिर्च, इसे हमने बीच से तोड़ लिया है, और मिर्च को हमें थोड़ी देर भून लेना है। इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा, तब तक हमें इसे भूनना है। ये देखिए मिर्च भून गई है, तब हम इसमें डाल दे रहे हैं कटी हुई आलू और बैंगन, और इसे तेल के साथ अच्छी तरीके से हमें मिक्स कर लेना है। तो फ्रेंड, आप अगर मेरे चैनल पर नए व्यूअर हैं, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, तो मेरे पेज को भी फॉलो कर दें। इसे हमें अच्छी तरीके से 2 मिनट तक हमें इसे भून लेना है। दो मिनट तक हमने देखिए सब्जियों को भून लिया है, अब हम इसमें डाल दे रहे हैं पेस्ट कितना नमक। हमने यहाँ पे 2 छोटा चम्मच डाल दिया है नमक, साथ ही डाल दे रहे हैं थोड़ा सा हल्दी, और इसे मिक्स कर लेते हैं। आप इसमें हल्दी नहीं भी डालिएगा फिर भी चलेगा, हमने इसमें थोड़ा सा कलर के लिए डाल दिया, जो कि देखने में अच्छा लगेगा। अच्छी तरीके से इसे हमें मिक्स कर लेना है, और अब हम इसे ढक देते हैं 2 मिनट के लिए। हमने 2 मिनट तक सब्जियों को ढक के भून लिया है, तो जब तक सब्जी सॉफ्ट ना हो जाए तब तक हमें ढक के इसे भून लेना है, और बीच बीच में हमें इसे चलाते रहना है। आप इसे पानी में बॉईल करके ही बना सकते हैं, लेकिन वैसा करने से जब आप आलू बैंगन को भूनेंगे तब बैंगन में पानी रह जाती है, जो कि खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो जब भी बनाइएगा तो आलू और बैंगन को इसी तरीके से तेल में फ्राई करके ही बनाएं, तो खाने में ज़्यादा अच्छा रहता है, इससे बैंगन जो है वो मैश नहीं होगी। अब हम फिर से ढक दे रहे हैं सब्जियों को। देखिए हमने अच्छी तरीके से भून लिया है, और ये सॉफ्ट भी हो गई है, ये देखिए। और सब्जी देखिए बिल्कुल भी बिखरी नहीं है। तब हम इसमें डाल दे रहे हैं नीम के पत्तों का पाउडर। नीम के पत्तों को हमने धूप में सुखा के इसका पाउडर बना लिया है, और इसे अच्छी तरीके से हमें मिक्स कर लेना है, और 1 मिनट तक हमें इसे भून लेना है, जिससे कि नीम का पत्ता जो है वो अच्छी तरीके से भून जाए। ये देखिए फ्रेंड, नीम बनके तैयार है। ये देखिए देखने में कितना ही अच्छा लग रहा है, और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आपको मेरा ये नीम बनाने का तरीका कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, स्वादिष्ट नीम बनके तैयार है। आप भी इसी तरह घर पर बनाइए, सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और फेसबुक पेज को फॉलो कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।